Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Shweta. So, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर डीएफसीसी आईएल. आज है डे 22, अभी तक हमने 21 क्लासेस कर लिया है. सो आप चाहते हो तो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट पे ये सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो. राइट, सो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज जी जी हा डांस ओरिजिनेटर इन द इंडियन स्टेट ऑफ. सो जी जी हा डांस जो है कौन से स्टेट में ओरिजिनेट हुआ है? तो ये बिहार की डांस है. ओके सो अगर इसके बारे में देखते हैं, ये एक फेमस कल्चरल डांस है बिहार की. ओके सो ये दशहरा के टाइम पे जो है ये डांस किया जाता है. सो वुमेन जो है अपनी जो हेड के ऊपर बैलेंस करते हैं क्ले लैटन. ओके उससे डांस करते हैं बैलेंस करते हुए. ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो द टर्म जैमिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट. सो जैमिंग जो है कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है बताओ? आप लोगों को पता है क्या? ये सारे के सारे टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस है स्पोर्ट्स के. ठीक है, सो जैमिंग जो है एसोसिएटेड है लॉन टेनिस से. ओके लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है ये टर्म, याद रख लीजिए, रिपीट हो सकती है एग्जामिनेशन में. सो अभी देखना द टर्म एड्रेस इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट. सो ये एड्रेस टर्म जो है कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये गोल्फ से है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. विद व्हिच स्पोर्ट इज द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड. सो ट्विडल कौन से स्पोर्ट से ये टर्म एसोसिएटेड है? तो टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है ये शब्द. ओके याद रख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे. विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म जैब एसोसिएटेड. सो जैब टर्म जो है अगेन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? बॉक्सिंग से एसोसिएटेड. ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके टीसीएस में पूछे गए हैं. स्पोर्ट्स से रिलेटेड आने की चांस है, फिर से रिपीट हो सकता है. सो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना. सो ये जो टर्म्स पूछे गए आपके एग्जामिनेशन में वही पढ़ा रही हूँ अभी. सो सीजर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. सीजर कप जो है कौन से स्पोर्ट्स में दिया जाता है इस कप को? तो ये फुटबॉल में दिया जाता है. ओके आप लोगों को पता ही होगा, हाँ कि नहीं बताओ? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. सो डॉल्फिन कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है. और वो कौन सा स्पोर्ट है जो पानी में खेला जाता है? वो है स्विमिंग. सो डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इट इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग. राइट, सो इस तरह आप याद भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. द टर्म पुट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट. सो पुट वर्ड जो है कौन से गेम में यूज किया जाता है या रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो गोल्फ, गोल्फ से रिलेटेड है ये टर्म. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. पासी कॉन्की इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टोट विच स्टेट. सो पासी कॉन्की इज अ कौन से स्टेट का डांस है ये फोक डांस? तो ये अरुणाचल प्रदेश की फोक डांस है ये. ओके सो द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ओके वॉज प्रीवियसली कॉल्ड एज वॉट. सो द खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले क्या कहा जाता था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था. ओके स्कूल गेम्स कहा जाता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले. ओके सो डैश वॉज द कोच ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम इन 2011. सो 2011 में जब इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था ना, सो उस समय के हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का कोच कौन था? सो वो कौन थे? गैरी क्रिस्टीन. सो गैरी क्रिस्टीन वॉज द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन 2011. सो जब 2011 की मैच हो रहा था ना वर्ल्ड कप की, मैंने पूरा मैच देखा था 2011 में वर्ल्ड कप की. और जब इंडिया ने जीता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है बता सकते हो क्या? बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, एग्जामिनेशन में भी आया है। तो युवराज, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके सो याद रखना। नेक्स्ट देखना, डैश इज ऑल्सो नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, सो किसको कहा जाता है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल? सो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया गेट। ओके इंडिया गेट कहा जाता है इसको, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन, सो सबसे पहले जब कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुए थे ना, सो ये कहाँ पे हुए थे? कनाडा की हैमिल्टन में हुए थे। ओके याद रख लो। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ कौन से ईयर में हुए हैं या कब एस्टैब्लिश किए गए हैं। ओके सो द नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड वॉज एस्टैब्लिश इन, सो नबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी बताओ? 1982 में हुआ था इसकी, यानी नबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट। ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी, सो द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर, सो कौन से ईयर में हुए थे पहली बार सेंसस हमारे कंट्री में? तो 1881 में जो है हुआ था। ओके सो इस समय के जो वायसराय थे ना, कौन थे? सो वायसराय वॉज लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन जो है वायसराय थे। ओके जब पहली बार सेंसस हुआ था हमारे कंट्री में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन विच ईयर वॉज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, सो कौन से ईयर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो 1995 में हुआ था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीविया में। ओके सो आज ना थोड़े मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्वेश्चंस, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ओके इसलिए थोड़ा इतना अप टू द पॉइंट नहीं बन पाया, फिर भी मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जो यूजफुल रहेंगे ना स्टैटिक के वो ऐड कर दिया है, ठीक है ना? सो कल से हम अच्छे से करेंगे, ठीक है ना? आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन प्लेस फॉर चिकनारी एम्ब्रॉयडरी, सो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था TCS में। सो चिकनारी जो एम्ब्रॉयडरी है ना हम पहनते हैं, सो ये कौन सी प्लेस में एक्चुअली फेमस है, कौन से प्लेस में ये बनता है? तो वो है लखनऊ। ओके ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच इज़ अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा, सो ओडिशा की जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है वो कौन सी है? पट्टचित्रा। ओके पट्टचित्रा इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा। सारे के सारे क्वेश्चंस TCS से है। ओके TCS बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करती है, सो इसलिए ध्यान रख के इसको याद कर लो जो भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना? सो इन विच सिटी ऑफ इंडिया द ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज सिचुएटेड, सो हमारे कंट्री में एक ही ब्रह्मा का टेम्पल है, सो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो राजस्थान की पुष्कर में है, ठीक है ना? और इस मंदिर का नाम क्या है? जगत पीटा ब्रह्म मंदिर। ओके ठीक है सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपालीश्वरा टेम्पल इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन गॉड, सो ये टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है ना, तमिलनाडु में। ओके सो द सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट, सो गुजरात है ऑब्वियसली, पता ही है ना आप लोगों को। सो अगर हम सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था 1025 AD में। ओके याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोमनाथ टेम्पल में ना बहुत ज़्यादा गोल्ड था। ओके सो यहाँ पे मोहम्मद गजनी ने ना उस समय पे क्या हुआ था, सोमनाथ टेम्पल की जो डोर हुआ करता था ना, ये डोर जो है गोल्डन डोर था। ओके इसको लूट लिया और साथ ही साथ टेम्पल के अंडर लॉर्ड शिवा की
गोल्डन स्टैच्यू हुआ करती थी, गोल्डन स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल से जो है लूट लिया था 1025 AD में। फिर क्या हुआ, लूटते लूटते नॉर्थ इंडिया जा रहे थे, वेस्ट से नॉर्थ इंडिया जा रहे थे, तो इनसे जो है गोल्डन टेम्पल इनको भी किसी ने जो है लूट लिया है। वो आगे जाके हम हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। सो मध्य प्रदेश, सो मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का हमारे कंट्री में, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाह, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सो रानी की वाह जो है कौन से रिवर के बैंक्स में है, ये आप लोगों को पता होने जरूरी है। सरस्वती, सरस्वती रिवर। इनके जो रिवर बैंक्स में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कह सकते हैं। और हमारे इंडियन करेंसी के एक नोट पे ये जो है फोटो भी है, आप कमेंट करके बता दो कि वो कौन सा नोट है, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड हु। सो बैटल ऑफ चौसा जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें जीत हो गई थी शेरशाह सूरी की। और कौन से साल में हुआ था, 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था, ठीक है ना। समझ में आ गया है ना। सो आज के इतने ही क्वेश्चन से मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं बना पाई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, पर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं, सो याद रख लेना। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सेशन अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल, बाय बाय।